नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेड़े में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण, इसके एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे आप अंत तक जरूर देखना। अगर आपने पहली वाली क्लास यानी एक्सरसाइज 3.4 की क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या है वो ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हमें मूल है वो भी ज्ञात करने हैं, और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहां पे बात की गई है मूलों की प्रकृति या मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो ये हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। जब भी हमें मूलों की प्रकृति का पता करना हो कि यानी कि कोई मूल है उसका अस्तित्व होगा या नहीं, तो हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं ना, उसे बोलते हैं विविधकर या विवेचक का सूत्र, जो कि क्या होता है, ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये आपको सूत्र है वो ध्यान में रखना है, जिसे हम बोलते हैं विविधकर या विवेचक का सूत्र, ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब इस सूत्र के अंदर 3 कंडीशन बन सकती है। जैसे आप डी बी का ए का और सी का मान रखेंगे ना, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकते हैं, इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, यानी अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल होंगे ना वो वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हम ए का बी का और सी का मान रखेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मान आएगा। ठीक है, ए और बी का मान आपको कैसे रखना है वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये मान रखेंगे, हो सकता है इसका मान 0 से बड़ा हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए। तो जैसे ये मान 0 से बड़ा होगा ना डी का, तो मूल क्या होंगे, हमेशा वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बन सकती है कि ये मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ये मान 0 होंगे ना, तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। जैसे पहला मूल अगर 0 आया है तो दूसरा मूल भी 0 आएगा, अगर पहला मूल 2 है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई। तीसरी क्या है कि डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, जैसे -1 हो, -2 हो, -20 हो, -30 हो, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये सूत्र ध्यान में रखना है, जिसे हम विवेचकर या विवेचक का सूत्र बोलते हैं, जो कि होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसके अंदर 3 कंडीशन बन सकती है, डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, यानी मूल वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। सेकेंड कंडीशन है, डी का मान 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों समान मूल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि डी का मान है 0 से छोटा हो, तब क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, ये मूल है वो अवास्तविक होंगे और इसका हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति क्या है और इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, ये पता करना है। तो ये पता हम किस सूत्र से करते हैं अस्तित्व का, ये हम करते हैं विविधकर या विवेचक सूत्र के द्वारा। ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक, अब यहाँ पे ए बी सी का मान क्या है, ए का मान हमेशा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है जो कि क्या है, -3 है। सी यानी अचर पद होता है, अचर पद क्या है, 5 है। ये बात अभी आपको आ जानी चाहिए क्योंकि हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, तो पहले वाले एक्सरसाइज में हमने ये बातें कर ली है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये मान है ना, ये मान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, मान रखना है। तो डी बराबर सबसे पहले बी स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर, माइनस का सिंबल माइनस लगा दिया, 4 का 4, ए का मान रखना है 2, सी का मान रखना है 5, डी बराबर ये तो कितना हो जाएगा, -3 की स्क्वायर यानी 9 हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, फिर ये माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 5 से तो कितना हो गया, 40 हो गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो डी का मान कितना,
अब यहाँ पे देखो d का मान -31 है, क्या d का मान 0 से छोटा, -31 तो 0 से छोटा होता है ना, माइनस का मान होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है, 0 से जैसे छोटा होता है तो यहाँ पे अपनी तीनों में से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 लागू हो रही है। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो, माइनस की संख्या है यानी 0 से मान तो छोटा ही है, ठीक है, तो कंडीशन के अंदर होता क्या है कि मूल है वो अवास्तविक होते हैं तथा हल है वो संभव नहीं होता है। तो हम लिख देंगे d का मान क्या है 0 से छोटा है, अतः मूल मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे तथा हल संभव नहीं है, ठीक है। जब मूल अवास्तविक होते हैं तब क्या होता है, हल है वो संभव नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एकदम इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर इनका अस्तित्व होता, जैसे ये मूल वास्तविक है, ये मूल वास्तविक है, इन दोनों में तो क्या है अस्तित्व होता है, ठीक है, और जैसे ये डी का मान 0 से छोटा आ जाता है, जैसे -1, -2, -3, -4 माइनस के अंदर कुछ भी आ जाए, तो क्या होता है मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूल क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक यानी वास्तविक ही नहीं है कोई चीज, तो उसका अस्तित्व कैसे होगा, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं होगा। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 3x²-4√3x+4=0। सबसे पहले मैं पता करना है कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, तो अस्तित्व है या नहीं तो हम कैसे पता करते हैं, ये हम करते हैं विव्यत्करी या विवेचक के सूत्र के द्वारा, जो कि होता है d=b²-4ac। तो द्विघात समीकरण से a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं, a का मान यानी x² का गुणांक 3 है, b का मान यानी x का गुणांक यानी x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में -4√3, और सी क्या होता है अचर पद जो कि यहाँ पे कितना है 4 है। अब जहाँ पे भी ए बी सी है उनके मान रख देंगे, बी स्क्वायर यानी कि -4√3² फिर माइनस का सिंबल -4 गुणा ए का मान 3 है और सी का मान कितना है 4 है, तो डी बराबर, अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस से ये देखो इस प्रकार है, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है खुद का खुद से गुणा होता है, यानी स्क्वायर का मीन्स क्या है ये खुद से गुणा हो रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यानी प्लस होगा, 4 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 16, √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 16 का गुणा 3 से होगा तो कितना बनेगा 48 बनेगा, तो यानी इस मान को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब 4 का गुणा 3 से 12 और 12 का गुणा 4 से करेंगे कितना हो गया 48 हो गया, यानी डी का मान अब कितना है 48 में से 48 घटेगा, डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि डी का मान 0 आने पे कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, पहले वाली, दूसरी वाली या तीसरे वाली, तब आप बोलोगे सर ये दूसरी कंडीशन लागू हो रही है। इस कंडीशन में देख लीजिए डी का मान क्या आता है 0 आता है, जब भी डी का मान 0 आता है तो मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और दोनों मूल क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे डी बराबर 0 है, अतः मूल अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। अब देखो मूल वास्तविक इसका मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व है और समान है, ये क्या होगी मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, ये तो हमसे पूछा गया कि इनका अस्तित्व है या नहीं, तो मूल वास्तविक है रियल है तो रियल होता है तो उसका तो अस्तित्व होगा और समान है तो ये मूलों की क्या होगी प्रकृति होगी। अब हमें क्या करना है इसको आगे भी सोल्व करना है, ये अपने पास द्विघात समीकरण है इसके हमें मूल निकालने भी है, मूल निकालने के लिए अपने पास 3 विधि होती है, गुणनखंड विधि से भी हम निकाल सकते हैं, इसके अलावा पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो अपने पास द्विघात समीकरण है तो इसके हमें मूल निकालनी है, तो मैं कौन सी विधि लगाऊंगा यहाँ पे, मैं लगाऊंगा द्विघाती सूत्र विधि से, ठीक है, जो कि क्या होती है x=-b+√b²-4ac /
दोए होता है, बट्टा के अंदर क्या हो जाएगा, दोए। आप बोलोगे सर आपने द्विघाती सूत्र वाली विधि क्यों यूज लिया, आपने गुणनखंड विधि से नहीं किया? तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मान निकाल रखा है, कितना आ रखा है, जीरो, और ए बी सी भी मैंने निकाल रखा है, तो ये सारे के सारे मान इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रखने और मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए और बी और सी के मान रख देता हूँ, तो एक्स बराबर बी कितना है, माइनस का तो ये माइनस हो गया, बी का मान कितना है, माइनस चार रूट तीन, ठीक है, ये तो आपका बी का मान, बी का मान रख दिया, फिर प्लस माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर होता है, डी के बराबर है, और डी का मान यहाँ पे कितना है, जीरो है। आप अलग अलग बी और सी के इनका मान रख के देख लीजिए, हमें यहाँ पे मान क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर डी है, और डी का मान कितना है, जीरो है, तो यानी ये मान भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दो ए, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान है तीन, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का गुणा माइनस होकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस चार रूट तीन, ये तो क्या है, जीरो है, तो ये मान तो हम हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, दो गुणा तीन यानी छः आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये दो से कटेगा दो बार, ये कटेगा तीन बार, तो कितना बचेगा, एक्स बराबर कितना बचेगा, दो रूट तीन बट्टा तीन ये बचेगा, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तब आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है, हमारे पास तो एक्स का मान एक है यानी मूल कितना है, एक है, लेकिन द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो दूसरा मूल कहाँ पे है, मैंने अभी बताया था कि इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि एक मूल ये है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, यही होगा, यानी वो भी क्या होगा, दो रूट तीन बट्टा तीन, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल है आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर दो हो गया। तीसरा पार्ट है दो एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स प्लस तीन बराबर जीरो दिया गया। सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसके हम कैसे पता करते हैं, ये करते हैं विवेचकर या विवेचकर सूत्र के द्वारा, जो कि होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जहां हम ए बी सी की बात करें तो ये गुणांक है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, सी क्या है, अचर पद। अब ये मान रख देंगे डी बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है, माइनस छ की स्क्वायर, माइनस माइनस चार गुणा ए का मान कितना है, दो गुणा सी का मान कितना है, तीन है। तो ये माइनस छ है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का छत्तीस हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब सी की जगह में यहाँ पे तीन रखना है, अब इनका गुणा करेंगे, चार का गुणा दो से आठ, आठ का गुणा तीन से कितना हो जाएगा, चौबीस हो गया, ठीक है। तो डी बराबर कितना बचा है, बारह बचा है। तो क्या डी बराबर बारह है, वो जीरो से बड़ा है क्या, तब आप बोलोगे सर जी हाँ, डी बराबर ये बारह है वो जीरो से बड़ा है। जब भी डी का मान जीरो से बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन लागू होगी इनमें से, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन लागू होगी। जब भी डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो पहले वाले कंडीशन लागू होगी, और पहले वाले कंडीशन क्या है कि डी का मान जीरो से बड़ा होने पे मूल है वो वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो हम लिख देंगे डी क्या है, जीरो से बड़ा है, अतः है मूल, अतः है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे यानी दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर दोनों मूल हमें समान मिले थे ना, तो यहाँ पे दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके मूल निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या है अपनी, दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस तीन बराबर जीरो है। तो हम किस सूत्र से निकालेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी या डी का मान हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा दो, ये क्या होती है आपका द्विघाती सूत्र होता है, ये आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना है अपने पास है, ये लीजिए यहाँ पे बारह आ रखा है, और b का मान कितना है, माइनस का छः, तो मान रख देंगे। तो x बराबर माइनस बी का मान माइनस छ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना है, बारह है। आप प्रत्येक का अलग अलग मान रख के देख लीजिए तो भी बारह आएगा। ये देखें हमें यहाँ पे पहले मान रख के चेक कर लिए कितना आ रहा है,
बार आ रहा है। दो गुणा नीचे क्या है, दो गुणा एक का मान कितना है, दो है, दो गुणा दो। अब सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का छह हो जाएगा, और अंदर क्या है, प्लस का बारह है। ठीक है, जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर छ प्लस माइनस रूट बारह, और नीचे में कितना दिया गया है, दो गुणा दो यानी चार हो जाएगा। अब रूट बारह है, रूट बारह को आप क्या लिख सकते हैं, रूट बारह किस किस से मिलकर बना है, दो गुणा दो गुणा तीन, इसी से तो मिलकर रूट बारह बना है, तो दो तो रूट से बारह आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट तीन। यानी कि हम बारह को क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर छ प्लस माइनस, इसको बारह को हम लिख सकते हैं दो रूट तीन, बट्टा में कितना है चार। इन दोनों में से हम दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, दो कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा तीन, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस से रूट तीन, और नीचे कितना है चार है। हमने क्या किया, यहाँ से दो है वो बाहर ले लिया, तो यहाँ से दो बाहर लेंगे तो यहाँ पे अंदर तीन बचेगा, और यहाँ से दो आने पर रूट तीन बचेगा, नीचे तो चार है ही है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा दो। तो एक्स की वैल्यू एक बार प्लस वाले ले लेते हैं, एक बार माइनस वाले, तो प्लस वाले लेते हैं तो तीन प्लस रूट तीन बट्टा दो है, और माइनस वाले लेते हैं तो तीन माइनस रूट तीन बट्टा दो है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल है आंसर है हो गया, ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर है तीन हो गया। ये पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, पूरा फॉर्मेट आपका यही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति है वो पता करनी होती है, तो वो कितनी है, d बराबर जीरो से बड़ा है, तो यानी मूल वास्तविक और दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग मिले हैं। ठीक है, और मूल निकालने के लिए हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया है, आप यहाँ पे चाहें तो गुणनखंड विधि लगा सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़े इससे पहले आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी क्या होता है, मूल समान होते हैं, ये देख लीजिए, मूल जब भी समान होते हैं, मूल बराबर होते हैं ना, तो डी का मान जीरो के बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी मूल समान यानी मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो, और इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है कि दोनों मूल है ना वो क्या है, बराबर है। ठीक है, जब भी मूल क्या होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं ना, तो d का मान हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये कैसे पता चलता है, हमें विवेतकर सूत्र जो कि क्या है, d बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब भी मूल बराबर होंगे तो d का मान क्या होगा, जीरो होगा, यानी ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। हमें k का मान ज्ञात करना है, और हमें हिंट क्या दिया गया है कि इसके दोनों मूल है ना वो बराबर है। दोनों मूल बराबर है, मैंने अभी बताया, अगर दोनों मूल बराबर है तो d का मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो दोनों मूल बराबर है इसलिए क्या होगा, इसलिए d बराबर क्या होगा, जीरो। और d बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर क्या होगा, जीरो। अब आप बोलोगे सर ए बी सी क्या होता है, तो ये तो आपको पता है, जहां ए बराबर, जहां ए बराबर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है, दो है। बी बराबर यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक जो कि कितना है, के है। और सी बराबर क्या है, अचर पद जो कि कितना है, तीन है। अब ए बी सी का मान रख दीजिए, सबसे पहले b का मान रखेंगे तो b की जगह कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस चार गुणा a कितना है, दो है, और c कितना है, तीन है, बराबर में हमें क्या दिया गया, जीरो। दो का गुणा चार का गुणा दो से होगा आठ, आठ का गुणा होगा तीन से होगा तो कितना होगा, चौबीस। यानी k स्क्वायर माइनस चौबीस बराबर जीरो, चौबीस दूसरी साइड आ जाएगा तो यानी k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, चौबीस। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो यानी k बराबर कितना हो जाएगा, रूट चौबीस हो जाएगा। k का मान कितना हो गया, रूट चौबीस हो गया, और ये क्या होगा, प्लस माइनस यानी दो मान आएंगे, जिसके ऊपर भी हम रूट करते हैं ना, प्लस माइनस दो मान आते हैं। जैसे रूट चार है तो इसके दो मान आएंगे ना, वो क्या आएंगे, प्लस माइनस दो आएंगे, लेकिन हम प्लस की वैल्यू लेते हैं वो अलग बात है, मान दो आते हैं प्लस और माइनस का, तो इसी प्रकार इसके भी प्लस और माइनस दो मान आएंगे। ठीक है, अब रूट चौबीस को हम आगे सोल्व करेंगे, तो
तो रूट चॉइस को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 8 और 8 × 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 से तो 2 क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 1 4 है, 4 में से 2 12 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 × 3 यानी √6 अंदर बचेगा। यानी कि हम 24 को क्या लिख सकते हैं, तो k बराबर हम 24 को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया 2√6। ये आपका क्या हो जाएगा, k का मान आ जाएगा। k का मान अपने पास दो मान है, एक तो है प्लस का आ जाएगा 2√6 और एक माइनस का आएगा 2√6। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार सेकंड करना है, सेकंड के अंदर भी हमें वही दिया गया कि दोनों मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, दिया गया है क्या, दिया गया है कि दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर 0। और d बराबर होता क्या है, b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि d की जगह ये देख लीजिए 0 रखेंगे तो b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0 आ गया। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट सेकंड क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले ही ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहां से ए बी सी के मान निकालेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के का अंदर गुणा करेंगे तो kx² का अंदर गुणा करेंगे तो -2kx और प्लस में 6 दिया गया बराबर में क्या है 0। तो यहां से a का मान कितना आ गया, a यानी x² का गुणा क्या है, k है, b यानी x का गुणा कितना है, -2k है, और c बराबर अचर पद कितना है 6। सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, b की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो b² यानी -2k² -4, a का मान क्या है k और c का मान क्या है 6। ये हमने क्या किया, ए बी सी का मान निकाला है और ये ए बी सी का मान निकाल के इसके अंदर रख दिया है। रखने के बाद में ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 2k² तो कितना हो जाएगा 4, 4k² हो गया ये, तो -24k और बराबर में क्या है 0 है। इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है तो 4k बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, k - 6 बराबर में कितना है 0। तो एक बार तो 4k के 0 के बराबर रख देंगे, एक बार 6 माइनस से ये 0 के बराबर रख दें, 4k बराबर 0 और k - 6 बराबर 0 है। तो k का मान एक तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और k का मान ये 6 साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी k में दो वैल्यू मिली है। ये जो मान मिल रहा है ना वो इसके मूल नहीं है, मूल तो क्या दोनों बराबर है, मूल नहीं निकाल रहे हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, k का मान निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, जो कि कितना है, दो मान आ रही है, यहाँ पे भी दो मान मिले थे। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो अभी बोला था कि दोनों मूल बराबर है, अभी दो मूल अलग लगा रहे हैं, ये मूल नहीं है भैया, ये के मान है, मूल अलग होते हैं, मूल होते हैं वो एक्स के मान होते हैं और हम क्या निकाल रहे हैं, के मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका इसका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 m² हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कि जो आम की बगिया है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 m² है और हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे एक्स। आप बोलोगे सर आपने चौड़ाई को क्यों माना, लंबाई को क्यों नहीं माना, क्योंकि लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 गुना अधिक है, ठीक है, लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो पहले हमें लंबाई तो पता चौड़ाई पता होनी चाहिए तभी तो हम लंबाई निकाल पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, चौड़ाई को माना है 2x। तो आप ये बगिया इस प्रकार समझ लीजिए, ये देख लीजिए चौड़ाई है वो कितनी मानी है, हमने x मानी है, लंबाई इसकी 2 गुनी यानी कितनी होगी, 2x होगी। अगर ये चौड़ाई है तो इसके सामने वाली भी चौड़ाई होगी और ये लंबाई है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी,
लंबाई होगी। तो हम इस क्वेश्चन को आगे हमें सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर में क्या दिया गया है कि जो आम की बग्घी है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल प्रश्न के अंदर में क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में क्या है? 800 मीटर। लंबाई और चौड़ाई क्या मानी थी? लंबाई तो 2x है, चौड़ाई क्या है? x है। तो लंबाई की जगह हम 2x रख देंगे, चौड़ाई की जगह x रख देंगे, बराबर में कितना है? 800 है। इसका गुणा दोनों से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। दो साइड इसके भाग में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? 800 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। और हमें पता है कि 400 किसका वर्गमूल है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? वर्गमूल ले लेते हैं। तो इधर तो बचेगा x और इधर क्या बचेगा? प्लस माइनस का 20, क्योंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। और प्लस माइनस क्यों आया? कि रूट के बाहर दोनों वैल्यू आती है, प्लस की भी आती है और माइनस की आती है। यानी एक्स का मान हमें क्या मिल गया? एक तो 20 मिला और एक एक्स का मान क्या मिला है? माइनस का 20 मिला। अब हम यहाँ पे 20 वाला लेंगे, एक माइनस 20 वाला लेंगे। तब आपको पता है कि अगर कोई भी लंबाई या चौड़ाई होगी, कोई भी घर होगा या कोई भी बाग का क्षेत्रफल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, जैसे कोई आम का बगीचा या बगिया है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी, चाहे एक हो चाहे दो हो तीन हो, माइनस के अंदर तो हो ही नहीं सकती। तो यानी 20 वाली वैल्यू तो होगी नहीं, तो ये 20 वाली नहीं होगी, तो ये प्लस 20 वाली होगी। और एक्स हमने क्या माना था? आम के बगिया की चौड़ाई मानी थी। तो आम के बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। ठीक, और लंबाई कितनी आ जाएगी? 20 गुणा 2 यानी 40 मीटर आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल हमें दिया गया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होता है। ये आम की बगिया इस प्रकार की होगी, चौड़ाई मान ली, लंबाई इसकी दो गुनी है यानी 2x है, और ये जो भी हमारे पास चौड़ाई का मान आ गया उसको 2 से गुणा करते ही लंबाई की मान आ गई। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने किन की करनी है? कि दो मित्रों की आयु का योग तो 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है यदि संभव हो तो। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना दो मित्र है। ठीक है, हमें कुछ हिंट नहीं दिया गया कि मित्र का नाम क्या है, अगर मित्र का कोई नाम दिया होता तो हम नाम ले लेते। हमें यही बोला गया कि दो मित्र है, तो हम क्या करेंगे? पहले मित्र की वर्तमान आयु x मान लेंगे। दोनों की वर्तमान आयु का योग 20 है, अगर एक की x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। तो हमने क्या बोल दिया कि दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी है? 20 माइनस x है। फिर हमें बोला गया कि 4 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु से 4 वर्ष पूर्व है, यानी कि इससे 4 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। और इससे भी 4 वर्ष पूर्व है, यानी 20 माइनस x, इससे भी 4 साल पहले, यानी इसमें से 4 घटा देंगे। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। यह हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ठीक है, ये 20 में से 4 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस x हो जाएगा। अब हमें इसे द्विघात समीकरण बनानी है, फिर द्विघात समीकरण चेक करनी है कि उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो उसके x और y की हमें मान है, वो मूल है, ये निकालने है। अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो हम x का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए करते हैं। हमने मान लिया कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 20 है। ठीक है, 20 में से दूसरे पहले की घटा देंगे तो दूसरे की आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 है, तो 4 साल पहले यानी कि इसका भी 4 साल पहले, तो ये तो कितना? x माइनस 4 हो जाएगा। और दूसरा का भी 4 साल पहले यानी कि 20 माइनस x में 20 से भी 4 घटा देंगे, और दोनों का गुणनफल यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 ही रहेगा, 20 में से 4 घटेगा तो ये बचेगा 16 माइनस x बराबर में 48 दिया गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, x का गुणा पहले 16 से होगा, फिर x से होगा, फिर 4 का गुणा इससे होगा, फिर 4 का गुणा इससे होगा। तो 4 x का गुणा 16 से होगा तो ये तो हो जाएगा 16x, x से होने पे ये x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का गुणा इससे होने पे 64 होता है, और 4 का माइनस का गुणा माइनस है तो प्लस, 4 का गुणा x है तो 4x बराबर में कितना दिया गया है?
48 हमें दिया गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले बड़ी घात यानी माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसके बाद में 16 4 ये कितना हो जाएगा प्लस का 20x है, ये 48 इस साइड आ जाएगा तो यानी कि 64 है, माइनस 48 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 12 का 2 फिर 10 रेख 11 यानी 112 माइनस का बराबर में 0। द्विघात समीकरण के अंदर जो स्क्वायर वाला पद होता है ये माइनस नहीं होता, यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 20x और ये प्लस का हो जाएगा 112 बराबर में 0। अभी अपने के पास क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें पता करना है कि इस जो द्विघात समीकरण अपने पास आई है इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो इसका अस्तित्व है या नहीं तो कैसे पता करती हैं, ये हम विवेतकर का जो सूत्र है डी बराबर 4AC, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा अस्तित्व है या नहीं ये पता करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी का मान कितना है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी बराबर इसका गुणांक क्या है माइनस का 20 है, और सी बराबर कितना है 112 है। अब मान रख देंगे डी बराबर बी स्क्वायर यानी 20 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह 1 है और सी की जगह 112 है, तो d बराबर माइनस 20 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया, 20 की स्क्वायर 400, फिर ये माइनस है, 112 को हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 को 100 से करेंगे 412 को करेंगे 36, यानी कितना आ जाएगा 436 आ जाएगा। तो d का मान कितना बचेगा, माइनस का 36 बचेगा। अब जैसे ही माइनस का 36 बचता है तो d का मान क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, d का मान क्या होता है 0 से छोटा होता है, जहां पे भी d का मान 0 से छोटा होता है ना तो उसके मूल क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, और जब भी मूल अवास्तविक होते हैं ना उस द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो हम लिख देंगे अतः है d का मान क्या है, 0 से छोटा है, अतः है मूल अवास्तविक होंगे, अतः मूल अवास्तविक होंगे तथा हल संभव नहीं होगा। यही तो हमसे पूछा गया था कि इसका अस्तित्व है या नहीं, अगर अस्तित्व है तो हमें x का मान ज्ञात करना था, लेकिन जैसे हमें पता चला कि इसका अस्तित्व नहीं है तो यानी कि इसका हल ही नहीं होगा, तो हम x का मान कहां से निकालेंगे। ये अपना इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है, यदि है तो इसके में लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमें निकालना होता है उसको मान लेते हैं, हमें पारक की लंबाई निकालनी है तो लंबाई हमने क्या मान ली, एक्स मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई हमने क्या मान ली, वाई मीटर है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया जो पारक है ना इसका परिमाप तो कितना है 80 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। अगर कोई पारक होगा तो इस टाइप का कोई पारक होगा, ठीक है, अगर ये लंबाई माने तो इसके सामने वाली ये भी लंबाई होगी, अगर ये चौड़ाई माने तो इसके सामने वाले भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। इसका परिमाप में दिया गया है 80 मीटर, परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई चारों भुजा क्या है, एक तो लंबाई है फिर क्या है चौड़ाई है, फिर क्या है लंबाई है फिर क्या है चौड़ाई है, इनका योग हमें कितना दिया गया है 80 दिया गया, यानी क्या होगी 2 तो लंबाई हो गई और 2 क्या होगी चौड़ाई होगी, ठीक है, 2 ही लंबाई है 2 ही चौड़ाई है तो 2 हमने बाहर ले लिया, फिर लंबाई और चौड़ाई बराबर हमें कितना दिया गया है 80 मीटर दिया गया। लंबाई हमारे पास क्या है एक्स है और चौड़ाई कितनी है वाई है और गुणा के अंदर 2 है बराबर में इसके अंदर 80 है। यह हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया सिर्फ माना है कि पारक की लंबाई x है चौड़ाई y है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया परिमाप 80 है, परिमाप क्या होता है चारों भुजाएं होती है ना उसके योग है ना ये परिमाप कहलाता है, ठीक है, इसके चारों भुजाओं का योग क्या होगा परिमाप हो जाएगा। तो योग हमें कितना दिया गया 80, चार भुजा क्या है एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, ये 2 लंबाई हो जाएगी 2 चौड़ाई हो जाएगी, 2 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा लंबाई और चौड़ाई बराबर 80 है, लंबाई x है चौड़ाई y है ये रख दिया तो यानी कि 2x + y बराबर कितना आ गया अपने पास 80 आ गया।
तो यानी कि परिमाप बराबर हमें एससी दिया गया है, तो परिमाप बराबर एससी दिया गया तो क्या हो जाएगा, दो एक्स प्लस वाई बराबर एससी होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया, दो एक्स वाई कैसे आए ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है एक्स है, गुणा चौड़ाई क्या है यहाँ पे वाई है, और बराबर हमें क्या दिया गया, 400 दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग 80 में जाते कितना हो जाएगा, 40, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो आप x का मान निकाल लें या y का मान निकाल के इसके अंदर रख देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का मान निकाल लेंगे तो x इस साइड चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। अब ये y का मान है ना, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं और ये अपनी समीकरण दो हो जाएगी। अब समीकरण दो से जो भी y का मान है वो समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण दो से y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, x गुणा वाई बराबर 400 है, ठीक है। तो y की जगह ये मान रखेंगे तो x तो ऐसा कैसा रहेगा, y की जगह हम क्या रख रहे हैं, 40 माइनस एक्स बराबर क्या है, 400। अब इसको सोल्व करेंगे, x का गुणा 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, 40x, फिर x का गुणा माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना दिया गया, 40। तो दिए हुए समीकरण के अंदर सारे मान एक साइड होते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इनको एक साइड लिख लेंगे, यानी सबसे पहले बड़ी घात, फिर x वाली घात, और फिर ये 400 आदि से ऐड आकर क्या हो गया, माइनस का बराबर में 0। अब द्विघात समीकरण के अंदर जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है उसको माइनस में नहीं रखते, यानी पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और प्लस माइनस से माइनस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस प्लस हो गया, बराबर में 400 बराबर हमें 0 दिया गया। ये क्या है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। अब ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करने है, हल निकालने, यानी एक्स का मान निकालना है। तो अब इसको तीन विधि से सोल्व करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं, और द्विघाती सूत्र के अलावा आप पूर्ण वर्ग विधि बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, क्योंकि 40 के हमारे पास दो टुकड़े ऐसे आ रहे हैं जिनको गुणा करने पर 400, हमें क्या करना है, माइनस 40 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 400 आए। तो ऐसे दो टुकड़े एकदम साफ है, कौन से है, 20 और माइनस का 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 आएगा, गुणा करने पे 400 आएगा। यानी 40x को हम क्या लिख सकते हैं, 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से x बाहर ले लेंगे तो ये तो बचेगा x माइनस 20, और यहाँ से अगर हम माइनस 20 बाहर ले लें तो ये बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से भी x माइनस 20, यहाँ से भी x माइनस 20 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका x माइनस 20, ठीक है, x माइनस 20 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से भी 20 आ गया और यहाँ से भी क्या आ गया, 20 आ गया। दोनों मान बराबर, आप चाहे कोई सा भी ले लो, अगर हम ये ले लेंगे x का मान 20 तो ये क्या हो गया, आपकी लंबाई है x, तो लंबाई तो कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब चौड़ाई निकालने के लिए x का मान चाहिए, आप समीकरण एक में रख दें या समीकरण दो में रख दें, तो हम x का मान समीकरण दो में रख रहे हैं, x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखेंगे तो समीकरण दो क्या है, y बराबर 40 माइनस एक्स है, x की जगह हम 20 रखेंगे तो 40 माइनस 20, तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो y का मान 20 है, तो y हमने क्या माना था, पार्क की चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई भी कितनी आ गई यहाँ पे, 20 आ गई। तो जो अपना ये पार्क है, इस पार्क की लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी क्या है, 20 है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी, और 4.4 के साथ अपना जो चैप्टर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना, अगर आपको पसंद आई है तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना।
फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।